फ्रेंड्स, वेलकम टू रोश पीसीएस क्लासेस। आज हम बीपीएससी के पैटर्न पे बेस्ड पॉलिटी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन आपके सुश्री सुजाता मनोहर, सुश्री रूमा पाल, सुश्री एमएस फातिमा बीवी, अन्ना चांडी। उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, जो कि ई ऑप्शन है आपका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी फातिमा बीवी। ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? सुनंदा भंडारे, फातिमा बीवी, लीला सेठ, अन्ना चांडी। और आपके पास ई ऑप्शन भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लीला सेठ। दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं बता दूं आपको कि वो फातिमा बीवी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी, सुप्रीम कोर्ट की हेड थी, और ये हाई कोर्ट की हेड है लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति थी, जो कि किसी भी राज्य किसी भी स्टेट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस थी। अगला प्रश्न, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के राष्ट्रपति, भारत का विधि मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, और ई ऑप्शन है आपके पास इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास ही एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार है किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में वो ट्रांसफर कर सकता है। अगला प्रश्न, संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों यानी अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? विधायी ज्यादती का मतलब होता है कि अपने संविधान की जो सीमा है या संविधान के जो उपबंध हैं उसका अगर उल्लंघन हो रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये। ऑप्शंस हैं आपके राष्ट्रपति राज्यपाल के अंतक्षेप द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, न्यायिक प्रस्ताव द्वारा, आम चुनाव द्वारा, या ई ऑप्शन। उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, यानी किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब, महाराष्ट्र व गोवा, मध्य प्रदेश व राजस्थान, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन। जी हाँ, ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में भी एक ही कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट दोनों का कंबाइंड है, और साझा उच्च न्यायालय महाराष्ट्र और गोवा का भी है। तो इनमें से बी और सी दोनों सही है, यानी कि ई ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में, भले ही यह थोड़ा सरल लग रहा हो लेकिन एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी 65 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? बंदी उपस्थापन, परम आदेश, निषेध, उत्प्रेषण। इसका उत्तर है परम आदेश। परम आदेश रिट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, ठीक है, अगर वो अपने पालन में जो भी उनका कर्तव्य है उसमें चूक या इनकार करते हैं तो ये लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है,
संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है, न्यायपालिका इसका आंसर। अगला प्रश्न है, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। और ये ऑप्शन है आपके पास, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका का काम नियमों का पालन कराना है, जो भी नियम कानून है उसका क्रियान्वयन सही ढंग से कराना और लागू करना, इन दोनों चीज की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे प्रभारित किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक से, भारत की आकस्मिता निधि से, भारत की संचित निधि से, वित्त आयोग से। संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उससे लिया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।